इंदौर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान ब्रेन मास्टर्स क्लासेस के विद्यार्थी न सिर्फ परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि ऊंचे ओहदे पर भी सर्विस पा जाते हैं। सोमवार को होटल सयाजी में ब्रेन मास्टर्स क्लासेस ने AIIMS नीट 2016 में संस्था से चयनित सभी 450 से अधिक विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को संस्था के डायरेक्टर्स डॉक्टर पंकज, डॉक्टर पराग व डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने सम्मानित किया। इस गरिमामय समारोह में चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, स्टेथोस्कोप तथा MBBS प्रथम वर्ष की पुस्तकों से पुरस्कृत किया गया। साथ ही उनके पालकों को पुष्प गुच्छ एवं बधाई पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित चयनित विद्यार्थियों तथा पालकों ने अपने निजी अनुभव व प्रतिस्पर्धा की संपूर्ण यात्रा के खट्टे मीठे पलों को भी साझा किया। कि सही परवरिश की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो माँ के द्वारा प्राप्त होती है। हमारे बीच लेखनी तिवारी की मम्मी मौजूद है जिनकी बालिका ब्रेन मास्टर्स के द्वारा पढ़ी गई और हाल फिलहाल में ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज में वो सिलेक्ट हुई है। स्वयं उसकी मम्मी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा ब्रेन मास्टर्स के साथ और कैसी तैयारियां रही और अब वे कैसा महसूस कर रही है जो क्योंकि उनकी बेटी अब मेडिकल परीक्षा पास करके कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। जी बताएं कैसा अनुभव रहा? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी तो मुझे मेरी बच्ची ने एक साल ड्रॉप लिया था उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ है। उसने बहुत मेहनत करी इसलिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। हमेशा से बचपन से माता पिता के जहन में एक सपना रहता है बच्चों के लिए, उनके पैदा होने से लेकर जन्म से लेकर के कि बच्चा क्या करेगा आगे, मेरी बेटी ऐसा करेगी, मेरा नाम ऐसे रोशन करेगी। कैसा फील कर रहे हैं आप, फाइनली आपका सपना पूरा हुआ है? हाँ, मेरा नहीं उसकी दादी का। अच्छा, मेरा तो था सपना बट उसकी दादी का ज़्यादा सपना था। उसकी दादी कुछ कारणवश से नहीं कर पाई थी MBBS की पढ़ाई, बाकी उसने उसकी दादी का सपना बचपन से उसके मन में ये था कि मैं दादी का सपना पूरा करूंगी, तो उसने कभी भी दूसरा करियर नहीं चुना। बचपन से उसने डॉक्टर बनने का चुना और बचपन से उसने इतनी ही मेहनत करी जितनी अभी करी है उसने। ब्रेन मास्टर कोचिंग का इसमें कैसा योगदान रहा, क्या कहना चाहेंगी आप कोचिंग संस्थान के बारे में? ये बहुत ही अच्छी है। इसमें जो संडे संडे टेस्ट होता है उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अक्सर कोचिंग क्लासेस में इतना टेस्ट ही नहीं लेते हैं, दो तीन वीक छोड़ के रहते हैं, बट इसमें हर संडे को रहते हैं तो बहुत अच्छा उससे पढ़ाई हो जाती है। और सर यहाँ की जो फैकल्टीज है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी, मतलब कभी बच्चों को उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम नहीं बताएंगे। कभी भी कोई सर निकल रहे हो और बच्चा कोई डाउट पूछ ले, सर कभी मना नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक पंक्तिबद्ध रख करके सुनियोजित तरीके से पढ़ाना और शायद इसी का ये सफल परिणाम है। ये सरों की बहुत ज़्यादा मेहनत है, बच्चों की तो है पर उनके सर की उनसे ज़्यादा मेहनत है। बहुत अच्छा लग रहा है, यही तो सपना था हमारा कि हम फाइनली MBBS कॉलेज में पहुँच जाएँ और डॉक्टर बने, घर वालों का सपना पूरा करें, अपना खुद का सपना पूरा करें, समाज की थोड़ी सेवा करें। और BMC ने बहुत सपोर्ट किया इस दौरान, बहुत हेल्प करी, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं हमारी। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, हम टीचर्स के पास जाते थे, कभी उन्होंने इग्नोर नहीं किया, हमेशा ध्यान रखा है हमारा। और मॉरल कभी डाउन होता था तो उसके लिए मोटिवेट करते थे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, वेरी नाइस। दादी का था बेसिकली, फिर बचपन से दादी ने बोला कि बेटा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उनका सपना मैंने पूरा किया है। मेहनत तो लगती है क्योंकि सीट्स कम है तो मेहनत डबल हो जाती है यहाँ, और काफ़ी टाइम तक आपको बुक्स में घुसे रहना पड़ता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है। एक परफेक्ट प्लानिंग हो, परफेक्ट स्ट्रेटेजी हो तो उससे सब आसान रहेगा। फ्रेंड्स, मॉरल सपोर्ट बेसिकली, कभी डाटा वगैरह नहीं मम्मी पापा ने, हाँ बस ये बताते थे कि बेटा अब रैंक पीछे जा रही है तो उसे उठाना है। और फैकल्टीज़ भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करना बताते थे कि अब ऐसी प्लानिंग करो, इतने दिन बचे हैं ऐसी प्लानिंग करो, मम्मी पापा ने भी बहुत समझाया है, बस उसी से सिलेक्शन हुआ है। अरे BMC से मैंने की थी, मैं BMC मैंने 12th के बाद ज्वाइन किया था और यहाँ के फैकल्टीज़ और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पुनीत सर, पराग सर, पंकज सर, तीनों का बायो, फिज़िक्स हमारे SK सर, सब ने इतना अच्छे से पढ़ाया। जुगल सर, कभी भी हम डाउट लेकर जाते थे, दे वर रेडी टू सॉल्व इट, उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया।
बहुत टाइम लगता था कि हो ही नहीं पाएगा, अब तो छोड़ देना चाहिए, पर आग सर ने सबने इतना मोटिवेट किया कि भले ही कुछ ना हो मेहनत करना है, मेहनत करके ही आगे आपको सफलता मिलेगी और उनकी वजह से आज ही सफलता मिली है। मेहनत तो करना ही पड़ती है, लेकिन मेहनत के बाद जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, जब यहाँ पर ये सब हमें सम्मान मिलता है, उसकी खुशी बहुत अलग होती है। और हमारे मम्मी पापा को जो खुशी मिलती है उन्हीं की आंखों में देखकर लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। एम्सी में आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर कोचिंग वाइज नहीं लगता है कि यहाँ हम बाहर से आए, कोचिंग है या घर परिवार लगता है, ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे साथ है जो हमें गाइड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, हर वर्ष की तरह इस बार ब्रेन मास्टर्स का उड़ान नाम का प्रोग्राम प्रायोजित किया गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ब्रेन मास्टर क्लासेस के इस वर्ष के जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के, उनको पुरस्कृत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है। आपको मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहूँगा कि पिछले 11 वर्षों से ब्रेन मास्टर क्लासेस सर्वाधिक सिलेक्शन सबसे अच्छे रैंक के साथ देते आ रहा है और इस बार ये रिकॉर्ड ब्रेन मास्टर का रिकॉर्ड खुद ही ब्रेन मास्टर ने तोड़ा है। इस वर्ष 450 से भी अधिक विद्यार्थी मास्टर क्लासेस के चयनित हुए हैं, जिनको विभिन्न गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिले हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये सारे विद्यार्थी नीट की जो एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया लेवल की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई करके सेलेक्ट हुए, इसलिए बात का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए ब्रेन मास्टर क्लासेस के हम सब डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेम्बर्स सब लोग बहुत खुश हैं। हमने बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ इन्वाइट किया है, डिफरेंट मेडिकल कॉलेज जो पूरे स्टेट और बाहर के जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, उसको उन स्टेथोस्कोप और मेडिकल की बुक्स देकर सम्मानित कर रहे हैं। उनके लिए मोटिवेशन के लेक्चर रखे गए हैं। अब मेडिकल कॉलेज में आगे चलकर उनको और किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने उनको बताया है। और इस बात को लेकर आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त उत्साह है पेरेंट्स और बच्चे। पेरेंट्स आके, कई पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गए हैं कि सर ये जिस चीज़ का हमने ड्रीम देखा था ब्रेन मास्टर क्लासेस के कारण, आज वो ड्रीम हमारा पूरा हुआ है।